अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो वैसे तो देखने में काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप वेयर ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टाइम। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ए ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है, पोजीशन वेक्टर दिया गया है कॉस ओमेगा टी आई कैप और साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना। तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो ये आएगा कॉस का होता है माइनस साइन, इसको मैं डी आर बाई डी टी करूँगा तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप, इसका तो प्लस ही रहेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये होगा। और जो एक्सेलरेशन है वो इसको वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करने से आएगा, यानी इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप, इस इधर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो टर्म है यही एक्चुअली में आर है, तो इसको हम लोग आर लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो आर यानी पोजीशन वेक्टर के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में है, ठीक, ये हो गया। और वेलोसिटी और आर है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वी डॉट आर, तो ये जीरो आएगा, कैसे, आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट जे जीरो होता है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, जे डॉट जे वन हो जाएगा, तो देखेंगे कि ये जीरो आ गया। ये जीरो आने का मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू आर हो गया और एक्सेलरेशन जो है वो आर के एंटी पैरेलल है, ठीक। तो जैसा कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहते थे कि दो परपेंडिकुलर SHM का सुपरपोजिशन जब कराया जाता है ना, जैसे देखेंगे ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है या पोजिशन है, ये वाई डायरेक्शन का है, तो एक्स डायरेक्शन में इसको लिखा जाएगा कॉस ओमेगा टी, वाई डायरेक्शन में लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है इसको लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू। तो जब दो SHM का बीच का फेज डिफरेंस पाई बाई टू होता है तो ये इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं, है ना। और यहाँ पर चूंकि इन दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है तो एक्चुअली में सर्कुलर पाथ पर घूमेंगे, कैसे, डिस्प्लेसमेंट निकाल कर देखते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल कर देखेंगे तो क्या आएगा, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, है ना। तो मतलब कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रूट जो कि वन आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वन यूनिट रेडियस के सर्किल पर ये जो पार्टिकल है वो घूम रहा होगा कुछ इस तरह से, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो अगर सर्कुलर पाथ पर ये घूम रहा है ना, इसका ट्रेजेटरी इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, ट्रेजेटरी इक्वेशन निकालना होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू वन होता है, साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं वाई और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये सर्किल का इक्वेशन आ रहा है।
तो पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी, है ना। तो अगर SHM का कॉन्सेप्ट लगाएं यहाँ से, तो सर्कुलर पाथ पर जो वेलोसिटी होता है वो तो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ना। यहाँ आ भी रहा है वी परपेंडिकुलर टू आर, और एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। ये जो सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर है वो जीरो जीरो पर होगा ओरिजिन पर, है ना। तो एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि सारा एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी स्पीड स्पीड कांस्टेंट है, तो सारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल होता है जो कि सेंटर की तरह लगता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो आर के परपेंडिकुलर है और जो एक्सेलरेशन है वो ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड है। पहला ऑप्शन देखेंगे ऐसा ही बताया गया है। पहले ऑप्शन में क्या कहा गया कि वी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ठीक। तो एक तो यहां से प्रूफ भी हो गया मैथमेटिकली, और अगर SHM का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उसे पाथ भी निकल गया। पाथ निकलते ही हमें पता चल जाता है कि जो वेलोसिटी है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ गलत है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे, कहा गया वी एंड ए आर पैरेलल टू आर, है ना। तो पहले प्रूफ हो गया कि वी जो है वो आर के परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा में कह रहा है वी एंड ए आर परपेंडिकुलर टू आर, हमें पता है ए जो है आर के परपेंडिकुलर नहीं है, ए तो आर के एंटी पैरेलल है, इसलिए ये गलत हो गया। फोर्थ वाले में क्या गलत है, फोर्थ वाले में पहला पार्ट सही है, वी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये सही है, लेकिन ए जो है ये कहा गया ए इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की तरफ कह रहा है, जो कि ये गलत हो गया। ओरिजिन की तरफ है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन हमेशा सेंटर की तरफ आता है, और यहां से भी देख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के उल्टा आएगा एक्सेलरेशन, यानी कि ओरिजिन की तरफ होगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत है।